राहुल कुमार। कहाँ से आए, कहाँ से आपको जाना है? मुझे लोग जाना जाना है जी। कहाँ से आए हैं? कब से आप यहाँ आए, क्या परेशानी आपको यहाँ आ रही है? जी हम तो 11 बजे से आ रहे हैं, बस ही नहीं मिल रही जी। आपको मालूम नहीं था कि आज भारत में? नहीं जी हमें मालूम नहीं। तो आप यहाँ आके कब गए? हाँ जी। अब कैसे जाएंगे? बस जी देखो कैसे तो बंद कर रहे। आपके पास छोटा सा बच्चा भी है? हाँ जी बच्चा भी है। क्या क्या परेशानी आपको आ रही है? बस सारी परेशानी है यहाँ पर, खाने पीने की भी सभी परेशानी है। पानी वगैरह यहाँ आपके तरीके से मिल रहा है आपको? पानी तो है जी, पर क्या खाने पीने की तो परेशानी है। कब तक रहेंगे जी यहाँ बताओ? लेटने की सुविधा नहीं, कुछ सुविधा नहीं है। मैं आपका कहाँ से आए हो और क्या परेशानी है आपको? परेशानी सर यही है, हम लोग आए हैं अब जाना है लुधियाना, आए हैं गोरखपुर से, इतना दिक्कत में है, उतार दिए आधी रास्ते में, न कहीं किराया भरा नहीं है, जा नहीं सकते, छोटे छोटे बच्चे लेकर परेशान हैं। कई दिनों से चल रहा था कि आज भारत बंद है, उसके बावजूद आप घर? नहीं सर, टिकट था कल, इसीलिए हम लोग जानकारी होती सर, हम लोग आते नहीं, जैसा टिकट कैंसिल हो जाता। आपको कोई जानकारी? हाँ सर। तो कितनी देर से आप यहाँ? यही है, कितने बजे से? 2:30 बजे से सर। आपको अब लुधियाना जाना है? हाँ सर। आपको बस नहीं यहाँ मिल रही? नहीं कुछ नहीं सर मिल रहा, सर किराया भी नहीं है, खोज रहे हैं कैसे व्यवस्था। आपसे कितने कितना किराया दिया गया था यहाँ तक गोरखपुर से यहाँ तक आने के लिए? 700 रुपया एक को टिकट। तो अब आप लुधियाना कैसे जाओगे? अब सर क्या बताएं, अब नहीं जा पाएंगे और गाड़ी भी नहीं खुलेगी सर, अब बैठे रहेंगे, सुबह चली जाएंगे, कोई है नहीं जब इंतजाम। सीटिंग ले जाएंगे गाड़ी को, सीटिंग आउटी दूसरी गाड़ी आ रही है अभी। आज कहाँ कहाँ की बसें बंद रही, किसानों के आंदोलन के बाद कौन कौन से रूट आज बंद रहे? ऐसा जी तकरीबन रूट आज सभी ही रूट बंद रहे हैं। सुबह सिर्फ 10 बजे तक, 9-10 बजे तक गाड़ी गई है, उसके बाद जितनी भी गाड़ी पीछे से आ रही थी, रेवाड़ी से, दादरी से, पानीपत से, या जो भी पीछे से गाड़ी आ रही थी दिल्ली बॉर्डर से, सभी ही गाड़ी अम्बाला आगे रुकी है और आगे सारी कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती। इसके चलते कहीं ना कहीं सवारियों को बड़ी दिक्कत आई है और बस स्टैंड में अब सवारियों में काफ़ी बैठी है, तो
भेजने का क्या सरकार की तरफ से इंतजाम किया? हाँ, सवारियों को तकरीबन जो भी है दिक्कत तो आई है, लेकिन फिर भी है ना, यहाँ पे जितने भी गाड़ियाँ पीछे से चल के आई थी किसी ने अंबाला तक ही टिकट काट रखी थी, और कुछ सवारियों की थी जो टिकटें आगे की थी, हमने कोई गाड़ी यहाँ से निकाल के दादरी डिपो की गाड़ी थी उसमें उन लोगों को बिठा के, कुछ सोनीपत के थे कुछ और के, उनको वाया बरवाड़ा गाड़ी को निकाल दिया गया था और वो अपने गंतव्य तक पहुँच गए। पंजाब तो तकरीबन बंद ही है जी, पंजाब बॉर्डर बंद है, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही, और ये आप ये देख ही सकते हो बस स्टैंड पे बच्चे छोटे भी हैं या जवान भी है, लेडीज हैं, लेकिन यही बस स्टैंड पे हैं, और कोई इनको अपना पानी खाने का इनका दिक्कत कोई नहीं है, पानी है ठंडा पीने के लिए और पक्के चल रहे हैं, और लेकिन ये आराम से बैठे हैं, जैसे इनकी गाड़ियाँ चलेंगी और ये अपने आप चले जाएंगे। टोटल डिस्टेंसिंग का ध्यान तो है, लेकिन सवारी ज़्यादा होने के कारण बार बार लोगों को अनाउंसमेंट करने के कारण मास्क लगाए हुए हैं, फिर भी पूरी कोशिश करके डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, लेकिन ज़्यादा जनता होने के कारण इतना डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा जो होना चाहिए।